हेलो मेरे पुडीज, कुकी फट बित्रानी में आप सभी का स्वागत है। ठंडा मौसम भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है, तो ऐसे में ना ज़्यादातर लोग पकोड़े ही खाने की सोचते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं प्याज और आलू के मिक्स पकोड़े, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में बहुत इजी होते हैं। तो जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं आलू। आप ना आलू छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही साइज़ के आलू लेने हैं। अब इन सभी आलुओं को हम छील लेंगे। तो सारे आलू छील चुके हैं और एक बार ना मैं आपको अपना हाथ भी दिखा देती हूँ। और ये देखिए मिट्टी से कितने गंदे हो चुके हैं। तो सोचिए कि आलू में कितनी मिट्टी होगी। तो आलू को ना आपको अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर मिट्टी नहीं रहे। तो सारे आलू छील चुके हैं और आलूओं को ना मैंने पानी के अंदर ही रखा है। आप सिर्फ 5 से 10 मिनट आलू को बिना पानी ऐसे ही छोड़ दीजिए और आलू ना लाइट की तरह अपना कलर चेंज करना शुरू कर देंगे। इसलिए ना मैंने इसको पानी के अंदर रखा है ताकि इसके अंदर कोई भी कलर चेंज ना हो। तो अब आलू को काटना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है आलू। आलू को ना इस तरह से हम 4 टुकड़ों में काट लेंगे। 4 टुकड़े काटने के बाद आलू को ना इस तरह से ऊपर की साइड से काटेंगे। आप चाहो तो पतला भी काट सकते हैं या फिर मोटा भी काट सकते हैं। मेरी मानो तो मोटा ही काटना, तभी खाने में और मजा आता है। अगर पतला काटोगे ना तो इतना कुछ पता नहीं चलेगा आलू का। इसी तरह से हम सारे आलू 4 टुकड़ों में काट लेंगे। तो सारे आलू काट लिए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये 4 आलू नहीं है, बहुत सारे आलू हैं। इस तरह से अगर आप छोटे टुकड़ों में कटिंग करोगे ना, तो अगर आप 2 आलू भी काटोगे तो भी बहुत सारे लगेंगे। आलू को दोबारा से धो लेंगे। ये लिए हैं मैंने प्याज। प्याज मैंने लिए हैं 2, जिन्हें मैंने काटा है बड़े टुकड़ों में। जो आज पकौड़े बना रहे हैं ना, उसमें आपको छोटे टुकड़ों में प्याज नहीं लेना है, इस तरह से बड़े टुकड़ों में ही प्याज लेना है। और ये लिया है राजस्थानी बेसन। और इस बेसन को ना आपको छानने की कोई जरूरत नहीं है और ये बेसन काफी अच्छा होता है। तो अब बेसन को एक बर्तन में निकाल लेंगे और ये बेसन है 2 कटोरी। अब डाल देते हैं इसके अंदर कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक। नमक मैंने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच। नमक ना आप अपने स्वाद के अनुसार ही इसके अंदर डाल सकते हैं। अब डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाला है, जो कि बहुत तीखा है। अब 1/2 चम्मच ना मैं इसके अंदर लाल मिर्च और डालूंगी, लेकिन ये तीखी वाली नहीं है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, ये वो वाली लाल मिर्च है। ये लाल मिर्च तीखी कम होती है और कलर भी बहुत अच्छा देती है। अब डालेंगे जीरा, और जीरा है 1/2 चम्मच। अब डालेंगे हींग, और हींग मैंने यहाँ पर ली है 3 से 4 चुटकी। हींग डालने से ना आप जब पकोड़े खाओगे ना, तो आपका पेट खराब नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी। अब डाल देंगे इसके अंदर चाट मसाला। बेसन में जो जो चीजें डालनी थी ना, वो सारी डाल दी है। अब इन सभी मसालों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, उसके बाद ही हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब डालेंगे इसके अंदर पानी, और पानी ना थोड़ा थोड़ा करके ही हम इसके अंदर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके अंदर ना बेसन की गांठें बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, एकदम चिकना घोल हमें इसका तैयार कर लेना है। मौसम चाहे जैसा भी हो, ठंड का हो या फिर बारिश का हो, पकौड़े खाना ना सभी को बहुत पसंद है। बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो चुका है, तब विस्कर को हटा देते हैं। अब डाल देते हैं इसके अंदर प्याज, और अब डालेंगे इसके अंदर आलू। अगर आपको पकोड़े के अंदर हरी मिर्च भी पसंद है ना, तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आलू और प्याज डाल दिया है, तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। गैस के ऊपर रखेंगे कढ़ाई। अब डाल देंगे इसके अंदर ऑयल, और ऑयल को ना गर्म हो जाने देंगे। पकौड़े डालने से पहले ना 1-2 बूंद आप बेसन के इसमें डालकर चेक कर लीजिए कि ऑयल गर्म हुआ है या फिर नहीं। और ये देखिए ऑयल ना अच्छे से गर्म हो चुका है, जो ये बेसन है वो फूल कर ऊपर आ चुका है। अगर ऑयल गर्म नहीं हुआ और आपने तब डाल दिया ना, तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, इसलिए पहले आप ऑयल को गर्म हो जाने दीजिए। आप चाहो तो पकौड़ों को हाथ से भी डाल सकते हैं। अगर आपको हाथ से नहीं डालना है ना, तो आप इस तरह से चम्मच से भी पकौड़ों को डाल सकते हैं। आपकी कढ़ाई में जितनी जगह है ना पकोड़े डालने की, आप उतने पकोड़े डाल सकते हैं। मुझे तो कढ़ाई में जहाँ जहाँ जगह दिख रही है ना, मैं उस सबको भर दे रही हूँ। और ये पकोड़े ना आपस में चिपकेंगे भी नहीं, इसलिए मैंने इतने सारे पकोड़े डाल दिए हैं इसके अंदर। और इन पकोड़ों को ना मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप लो पे करोगे ना, तो इसके अंदर ऑयल भर जाएगा, ये पकोड़े बहुत ही ऑयली हो जाएंगे। तो पहले पकोड़ों को ना पलट देते हैं, और अगर आप इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करोगे ना, तो ये ऊपर से तो सेक जाएंगे, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अंदर जो बेसन है ना पकोड़े के, वो भी कच्चा रह जाएगा और खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप पकोड़ों को ना मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें। और इन पकोड़ों को बनाना भी बहुत आसान है, कुछ ही मिनटों में ना आप ये पकोड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वापस से हम इन पकोड़ों को इधर उधर घुमा देते हैं, एक जगह बैठ कर ना, ये भी बोर हो गए होंगे। अब बारिश का मौसम हो रहा है,
तो मेरे यहाँ पर तो बारिश हो रही है और सबकी डिमांड पर ना मैंने ये आलू और प्याज के पकोड़े बनाए हैं। तो मैंने सोचा ये रेसिपी ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। और बारिश के मौसम में ना अब हर घर में पकोड़ों की ही डिमांड होगी, तो एक बार ना आप इस तरह से पकोड़ों को जरूर ट्राई करना, आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो पकोड़ों को ना मैं बस यहीं तक फ्राई करूंगी। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। जिस भी चम्मच से आप पकोड़ों को बाहर निकालोगे ना, तो पकोड़ों को इस तरह से कुछ सेकंड के लिए रोक लीजिए ताकि जो इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो निकल जाए। सारे पकोड़े कढ़ाई से बाहर निकाल लिए हैं और जो भी बेसन के भी बचे हैं ना थोड़े बहुत, इसे भी आप कढ़ाई से बाहर निकाल लें, क्योंकि जब आप इसे दूसरी बार में फ्राई करोगे ना पकोड़ों को, तो वो काले हो जाएंगे। आप ये पकोड़े हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, लाल चटनी के साथ खा सकते हैं, या फिर शाम की गर्मा गर्म चाय के साथ इसे खा सकते हैं। अगर घर में मेहमान आए हैं ना तो भी आप ये उन्हें बनाकर खिला सकते हैं और उन्हें भी ना बहुत पसंद आएगा। गर्मा गर्म आलू और प्याज के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने रखी है हरी चटनी, लेकिन सिर्फ हरी चटनी से ही काम नहीं चलेगा ना, इसके साथ मैं रखूंगी चाय, क्योंकि मुझे पकोड़े ना चाय के साथ ही खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो गर्मा गर्म चाय भी बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसे छान लेते हैं। और बिना कुछ डाले ये पकोड़े कितने फूले फूले बने हैं ना। बहुत से लोग बेकिंग पाउडर डाल देते हैं ताकि पकोड़े फूल जाएं, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, तब भी ये पकोड़े कितने अच्छे बने हैं। बस आपको बेसन अच्छे से फेंटना है। तो मैं ना आपको ये पकोड़े तोड़कर भी दिखाती हूँ। और ये देखिए कैसे धुआंधार आलू और प्याज के पकोड़े बने हैं। तो अभी इसे खा लेते हैं हरी चटनी के साथ। देर किस बात की है, आप भी इसको जरूर ट्राई करना और इसका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना मेरे इंस्टाग्राम पर। आप मुझे वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। और ज़्यादा से ज़्यादा ना आप मेरी इस रेसिपी को शेयर करना अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ।